मैं वापस आ चुका हूँ साल की सबसे बड़ी और सबसे महंगी वीडियो लेकर जी हाँ आई फोन बाइंग गाइड एंड ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर सारे आई फोन हमने यहाँ पर जमा कर दिए हैं आप लोग के लिए आज बताऊंगा सबसे बेस्ट आईफोन आपके लिए कौन सा होगा कौन से बजट में सब कुछ बताने वाला है आई फोन बाइंग गाइड एंड ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी 2024 सो लेट्स बिगिन देखो यहाँ पर बहुत सारे आईफोन्स है, है, आईफोन हैं एंड फिलहाल एप्पल जो है तीन साल के आई बेच रहा पास है सबसे पहले अगर बात करें तो कुछ आईफोन को आपको बिल्कुल बाय नहीं करना है उनमें से मेरे हिसाब से आईफोन फोन एक्स हो गया आईफोन फोन इलेवन हो गया आईफोन फोन हो गया ये जो तीन मॉडल है ना गई इनको प्लीज ना बाय करिए क्योंकि इनके अंदर पहले

अभी के डेट में भी नया भी लेने जाओगे जास तो हजार के आसपास आपको ये फोन देखने को मिल जाता है एंड आई फोन आई थिंक आज की डेट में सबसे बेस्ट और स्वीट स्पॉट है iPhone के में घुसने के लिए क्योंकि भाई जो जो चीजें ऑफर करता है आप लोग को मतलब अगर आपने थर्टीन लेना तो आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि भाई 15 से बहुत कम या बहुत खराब है ऐसा कुछ ओवरऑल बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस आईफोन थर्टीन निकाल के दे सकता है देखो डिस्प्ले की बात करूं तो यहाँ पर जो ये थर्टीन है इसके अंदर एक थर्टीन मीनी भी आता है मिनी की बैटरी लाइफ बहुत छोटी लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा छोटे फोन की रिक्वायरमेंट है देन आपको मैं मिनी सजेस्ट कर सकता हूँ लेकिन उसकी बैटरी लाइफ बहुत कम रहेगी मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ लेकिन अगर आप थर्टीन लेते हो तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट और बजट में सबसे अच्छा ऑप्शन होगा इंच की बारह सौ अंदर डिस्प्लेपल का ए बायोनिक चिपसेट आता है तो इट इज वेरी फास्ट एंड स्मूथ काफी रिलायबल है कोई भी दिक्कत है नहीं ठीक है बारह बारह मेगा के दो कैमराज आ जाते हैं जो की क्वालिटी में एकदम चुम्मा है भाई वीडियो रिकॉर्डिंग व्लॉग बनाना है आगे पीछे दोनों कैमरा से भाई फोर के सिक्सटी एफ

हल्का लाइट वेट इनह अच्छी और एप्पल का लोग क्रॉस कैमरा सारी चीजें तो सेम टू सेम है बाकी सिक्योरिटी के लिए फेस आई डी सारी चीजें हाँ फोर्टीन थर्टीन दोनों ये वाला नॉच आपको देखने को मिलता है भद्दास बहुत बड़ी कमी मेरे को लगती है उसके अलावा डिस्प्ले वगैरह सारी चीजें बहुत अच्छी हैं कोई आपको दिक्कत आएगी नहीं परफॉर्मेंस वगैरह भी सुपर है सेम टू सेम परफॉर्मेंस आपको दिक्कत भी नहीं है प्लस कैमराज है वो भी ऑलमोस्ट सेम टू सेम है ज्यादा बिल्कुल फर्क यहां पर मेरे को महसूस नहीं होता दस पांच परसेंट का बेरली फर्क होगा 13 और 14 में तो आप लोग ये हिसाब से देख लो तो मेरे हिसाब से अगर आपको जैसे मैंने बताया भाई पंद्रह के आसपास का डिफरेंस है दस से पंद्रह तब आप लोग थर्टीन ले लो नहीं तो अगर आपको सिर्फ पांच छह का फर्क मिल रहा है ना देन फोर्टीन ले लोगे तो एक साल का एक्स्ट्रा सपोर्ट आपको मिल जाएगा तो वो चीज है भाई अच्छा अब अगर देखो 14 जो है इसके अंदर एक प्लस वाला

आपको ज्यादा फर्क या प्रो और नॉन प्रो में नहीं दिखने को मिलेगा क्योंकि नॉर्मल वही सेम बारह बारह मेगा पिक्सल कैमरा के है कुछ फर्क नहीं है और यहाँ पर स्पीकर वगैरह भी काफी अच्छे इसके डिस्प्ले भी काफी ब्राइट काफी जबरदस्त है बट यहाँ पर डिस्प्ले में आपको वन ट्वेंटी का सपोर्ट देखने को मिलता है मेक्स मोर सेंस टू बाय इन एंड बिकॉज भाई क्या स्मूथ एक्सपीरियंस आता है बहुत ही जबरदस्त एंड भाई बहुत जबरदस्त स्मार्टफोन है फिलहाल के टाइम पे आपको ये सत्तर हजार से अस्सी हजार के बीच में मिल सकता है अगर आप लोग सेकंड हैंड मार्केट छान हो तो और अगर उससे भी सस्ता भी मिल सकता है अगर आपके कोई पहचान वाला हो जो दुबई वाला या फिर यूएस वाला फोन दिलाएगा तो वो सस्ते में भी दिला सकता है भाई। लेकिन मेरे इसके अंदर भी आपको सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं अपटू फोर के सिक्सटी एफ पी एस वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट है थ्री एक्स टेलीफोटो जूम लेंस है उसके बाद में आपको वन ट्वेंटी हाथ रिफ्रेश डिस्प्ले है फास्ट प्रोसेसर है सारी चीजें अच्छी अच्छी मिल जाती है तो आपको ज्यादा यहाँ पर शिकायत देखने को मिले हालांकि एक चीज मैं

इम्प्रूव डिस्प्ले देखने को मिलती है यहाँ की जो डिस्प्ले है इसके अंदर आपको डायनेमिक आइलैंड देखने को मिल जाता है अभी जा... जो डायनेमिक आइलैंड है भाई ये बहुत ही जबरदस्त है लाइक बहुत ही तगड़ा तगड़ा आपको यहाँ पर फीचर देखने मिलता है डायनेमिक आइलैंड कैसे बहुत जबरदस्त चीजें अनलॉक हो जाती है भाई बहुत मस्त है डायनेमिक आइलैंड प्लस ये वन ट्वेंटी को भी सपोर्ट करता है बहुत अच्छा क्वालिटी का डिस्प्ले है भाई और ये दो हजार निट्स तक के जाता है बाकी के जितने फोन मैंने बताया वो बारह तक पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है यहाँ पर दो हजार निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है विच इज वेरी अमेजिंग भाई और ये सिक्स इंच वाला है इसमें सिक्स इंच वाला आईफोन फोर्टीन प्रो मैक्स जो है वो भी आता है तो भाई अगर आप लोग अच्छा मतलब डायनमिक आईलैंड वाला तीन कैमरे वाला देख रहे हो भाई तो ये ले सकते हो अब देखो थर्टीन प्रो मैक्स काम्पेर में फोर्टीन प्रो एंड के अंदर फोर्टीट मेगा का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है साथ में आपको अच्छे क्वालिटी के अल्ट्रा वाइड एंड बारह मेगा का थ्री एक्स टेलीफोटो जूम लेंस बारह मेगा पिक्सल का सेल्फी शोटो, तो काफी ज्यादा इम्प्रूवड कैमराज भी आपको देखने को मिलते हैं काफी तगड़े हालांकि लाइटनिंग पोर्ट इसके अंदर भी है लेकिन 14 प्रो सीरीज जो है वो काफी बढ़िया है काफी जबरदस्त है एप्पल का A16 सिक्सटीन बायोनिकट है

कह जाए एंड बात किया 15 सीरीज की तो आईफोन 15 में, सबसे बेस्ट आई थिंक सबसे ज्यादा अपग्रेडेड है, है 15 भाई बहुत बॉडी है, तो है।, है उसको भी इम्प्रूव किया गया ये स्टेनलेस स्टील नहीं है अल्यूमिनियम है बी -बी। लेकिन साइड से हल्का दिया गया तो बहुत अच्छे से हाथ में है दूसरी चीज भाई बैक में इन लोगों ने ग्लॉस बैक हटा के यहाँ पर मैट बैक दिया हुआ है जो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम फील देता है डिजाइन सेम है मतलब ये कैमरे का जो डायगनल कैमरा है वो सेम है लेकिन भाई ये जो पूरा फिनिश है जो फील है भाई वो बहुत ही ज्यादा महंगी आ जाती है इसके अंदर और सबसे बड़ा चेंज यहाँ पर भाई टाइप सी पोर्ट है टाइप सी पोर्ट की वजह से बहुत सारी चीजें अनलॉक हो जाती है मैं कोई भी चार्जर में चार्ज कर सकता हूँ भाई प्लस ये वाला फोन काफी लाइट वेट काफी जबरदस्त है दो हजार नेट के डिस्प्ले वाला जो फोन है इसके वजह से सामने की तरफ से लाइक ये ऐसा लगता है कि फिफ्टी प्रो या फोर्टीन प्रो है क्योंकि भाई डायनेमिक आइलैंड की वजह से थोड़ा सा एनहांस हो जाता है चीज है तो मेरे को तो काफी जबरदस्त है प्लस एक डिफरेंशियटर हो रहा था ना कि अगर समझ लो मैंने दो कैमरा वाला लिया प्लस आगे डायनेमिक आइलैंड है तो मेरे को मालूम है कि भाई हाँ ये फिफ्टी है और लोगों को डिफ्रेंशियट करने में बड़ा मजा आता है जैसे थर्टीन और फोर्टीन था तो वो एकदम सेम सेम था तो लोगों को बड़ा अजीब लगता था यार मेरे पास तो फोर्टी है लेकिन सब लोग बोलते कि थर्टीन चला रहा है थर्टीन चला रहा लेकिन इस बार काफी बड़ा डिफरेंशिएटर है कि भाई पीछे दो कैमरा है आगे डायनेमिक आइलैंड है तो एक बड़ा डिफरेंशियटर यहाँ पे आ जाता है प्लस एक्चुअली में काफी ज्यादा इंप्रव्वड्ड इसका कैमराज है फोर्टी एट मेगा का मेन कैमरा है भाई बहुत ही ज्यादा सुपर क्वालिटी की फोटो लेता है मैंने इसका और फोर्टी का एकदम डेडिकेटेड साइड बाय साइड कम्पेरिजन किया था कैमराज वगैरह सारी चीजें कंपेयर कर दी भाई बहुत ज्यादा बेटर और बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड कैमरा है बाई फोटोज ले सकते हो भाई साहब क्या, क्या क्वालिटी की फोटोज देता है ये। मतलब फोटोज एंड वीडियोज के मामले में सुपर है भाई मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट है और इसके अंदर भी एप्पल का ए बायोनिक चिपसेट आता है बहुत ही जबरदस्त बहुत ही ज्यादा लाजवाब कैराज है भाई यहाँ पर और सॉफ्टवेयर वगैरह भी काफी ऑप्टीमाइज हो चुका है

Titanium का हो गया फील्स अमेजिंग तो, तो बहुत लोग को अभी भी मेरे हिसाब तो like से, भाई होने से फायदा अगर मैं भी Max, तो हल्का होने का फायदा हो 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 है दूसरी चीज स्टेनलेस स्टील से ये काफी ज्यादा हल्का और काफी ज्यादा मजबूत होता है पर मजबूती में कोई दिक्कत नहीं है बैक पैनल का थोड़ा सा मजबूती में दिक्कत है प्रो मैक्स सीरीज के अंदर बैक पैनल थोड़ा जल्दी टूटने का चांसेस है लेकिन अगर आप प्रो मैक्स ले रहे हो तो थो थोड़ा थो थो सा कवर वगैरह अच्छे लगा लेना मैं आपको सजेस्ट करूंगा बाकी प्रो मैक्स और प्रो की जो बात करूं यहाँ पर है ना भाई एप्पल ने फर्स्ट टाइम एप्पल का ए सेवेंटी प्रो चिपसेट दिया है बायोनिक नहीं दिया इस बार तो ये जो सेवनटीन प्रो ए थ्रीटर बना हुआ चिपसेट है काफी ज्यादा पावरफुल है परफॉर्मेंस की बात ये जो सारे फोन है आपको परफॉर्मेंस की कहीं पर भी कमी नहीं मिलेगी डेली टास्क में अगर आप साइड बाय साइड

स्मार्टफोन है इस बार स्पेशली अगर आप वीडियोग्राफर हो लेकिन अगर आप नॉर्मल इंसान हो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा प्रो प्रो या प्रो मैक्स लेना ठीक है भाई कोई जरूरत नहीं है इतना पैसा खर्चा करने की आपको कौन सा डेली वीडियो बनानी है बाकी जो आपका बेसिक वीडियो बनाना है फोटो खींचना है उसके लिए आपको ये सारे जो फोन है इवन लास्ट ईयर का प्रो प्रो मैक्स वो सारा चीज सफिशेंटली आपका सारा काम करवा के दे देगा भाई हम जैसे वीडियोग्राफर है जिनको बार बार वीडियो बनानी पड़ती है हमारे लिए फिफ्टीन प्रो प्रो मैक्स ज्यादा बेटर है लेकिन नॉर्मल लोग के लिए भाई कुछ ऐसा जरूरत नहीं है लेकिन अगर आपका भाई अंधा पैसा है तो उड़ाओ आपका पैसा आप उड़ाओ जलाओ मेरे को क्या फर्क पड़ता है बट मैं जो आपको बता रहा हूं मेरे हिसाब से ये सारे फोन आप देख सकते हो एंड अगर आपका मेन क्राइटेरिया इज जस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग एंड फोटो टेकिंग देन आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू कि गो विद द विदो 15 प्रो सो so, अब देखो एक चीज और बता दू सारे फोन के अंदर फेस आईडी आती है सारे फोन के अंदर फाइव आता है फाइव जी वगैरह का नेटवर्क वगैरह काफी स्ट्रॉन्ग है काफी जबरदस्त का है हालांकि मैंने ये चीज नोटिस करा है कि फिफ्टीन सीरीज के बाद में ना फाइव काफी स्टेबल हो गया नेटवर्क वगैरह काफी ज्यादा पावरफुल हो गया तो वो चीज मैंने देखा है लेकिन ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है तो ओवरऑल अब अगर कंक्लूजन की बात करूं तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आईफोन बाय कर रहे हो ना तो मैं आपको सजेस्ट

वाला, तो मैं आपको 14 प्रो 14 प्रो मैक्स की तरफ करवाऊंगा लेकिन अगर आपको अच्छा नो नॉन सेंस सुपर फोन लेना है आईफोन का ही आपको शो ऑफ वगैरह से भी इतना मतलब नहीं है बहुत सारे तगड़े तगड़े इंप्रूवमेंट है बहुत अच्छा फोन है, भाई 15, जो सीरीज है वो बाकी अगर आप टॉप टीयर में रहते हो आपको वीडियो बनाना पसंद है आपको फोटोज लेना है भारी भारी क्वालिटी की सीरीज रिकमेंड करूंगा और वीडियो वालों के लिए तो सबसे बेस्ट आईफोन

क्या ही जा नीचे सब्सक्राइब कर दो तो बहुत तगड़े तगड़े हम कंटेंट लेके आएंगे आपके लिए बाकी इतना ही था वीडियो में आई होप आपको मजा आएगा मजा आया तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय